चीन द्वारा 15 और 16 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में एलएसी पर सैनिकों की हुई झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इसी को लेकर आज विश्व योग दिवस के मौके पर एनएचएआई केआरओ कर्नल चंदन वत्स ने पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। एनएचएआई केआरओ अधिकारी के साथ कर्नल अजय ठाकुर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पटना ने भी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और वीर जवानों को शहीद स्मारक पर कैंडल चलाकर शहीदों को नमन किया। कर्नल चंदन वत्स कहा कि चीन से निर्मित कोई भी सामान भारत की जनता को नहीं खरीदना चाहिए और चीन के सामान को बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि चीन की आर्थिक इकोनॉमी खराब होगी। जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे जनता चीन में बने सामान निर्मित वस्तु को बहिष्कार कर सके। आज किस तरह श्रद्धांजलि दी गई और चीन के देखिए आज जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हमारे विश्व योगा दिवस भी है, तो इस अवसर पर हम लोगों ने योगा दिवस के साथ साथ अपने जो वीर हमारे जो भारतीय सैनिक जिन्होंने अपने जानों की आहुति देकर अपना बलिदान देकर अपनी भूमि को सुरक्षित करने का महान कार्य किया है और उसमें अपना शहादत भी दिया है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस अवसर पे उनके प्रति एक श्रद्धांजलि, उनके प्रति श्रद्धासुमन भी अर्पित किए जाएं। इससे बेहतर दिन और नहीं कोई हो सकता है। क्या लग रहा है सर, क्या स्थिति अभी बन पा रही है? देखिए ऐसा है कि स्थिति का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों का तो मूल उद्देश्य ये है कि जनता के बीच में जागरण जागृत करना, जनता के बीच में ये एहसास दिलाना कि आखिर ये दुर्घटनाएं होती क्यों हैं, आखिर हमारे इतने सैनिक क्यों मारे गए और किस देश की वजह से मारे गए और इस देश के साथ हमें किस प्रकार के अपने संबंध रखना है, इसकी पुनरीक्षा करने की ज़रूरत है। क्या चीन एक ऐसा देश है जिसके साथ हम अपने सामान्य इकोनॉमिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सब लोगों को देखने की ज़रूरत है। क्या हम अभी भी चीन में बने हुए उत्पादों को या चीन के स्वामित्व में चलने वाली कंपनियां, चाहे वो भारतवर्ष में ही क्यों नहीं काम कर रही हों, क्या उसको खरीदने की, वहाँ पर पैदा की गई सब चीज़ों को खरीदने की हमें करनी चाहिए, खरीदना चाहिए? क्योंकि आखिर जो भी पैसा हम चीन के उत्पाद को खरीदने में खर्च करते हैं, उसका कुछ न कुछ हिस्सा उसी चीन की इकोनॉमी को बढ़ाने में जाता है, जिस इकोनॉमी की बदौलत वो हमें जगह के समय समय पर आंखें दिखाता रहता है। तो एक तरह से जनता के बीच में हम ये संदेश भी देना चाहते हैं आज के अपने इस श्रद्धांजलि के मार्फत कि आप चीन के साथ किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक आर्थिक संबंधों को न रखा जाए और उसके बहिष्कार किया जाए। सरकार को जो करना है सरकार करती रहेगी, लेकिन जनता की हैसियत से हमें जो करना है, क्योंकि हमारे जवान भी मारे गए हैं, हमारे जवान मारे गए हैं, तो हमें जो करना है वो हम अपने स्तर से भी करें। और प्रजातंत्र में तो जनता की भावनाओं को ही सरकार प्रतिबिंबित करती है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।